स्टूडेंट क्लास टेंथ मैथ्स का बेसिक का क्वेश्चन पेपर है सेट वन फोर थ्री जीरो फोर वन इसका कोड है तो जिन बच्चों का ये सेट आया अपने आंसर्स चेक कर लेना तो इसका सेक्शन ए हमने प्रीवियस पार्ट में कर लिया है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट या पेज पर पे जाके वीडियो को देख सकते हैं फोर थ्री जीरो फोर वन कोड से आई ठीक है तो हम इसका आप सेक्शन बी और सी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसके प्रीवियस पार्ट में मिल जाएंगे ट्वेंटी तक क्वेश्चन आपको पार्ट वन में मिल जाएंगे इसके सेट वन में अब इसका सेक्शन बी करेंगे आज हम तो देखिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन देखते हैं साइन अल्फा इक्वल टू हाफ फाइन द वैल्यू ऑफ थ्री कॉस अल्फा माइनस फोर कॉस क्यूब एल्फा तो यहाँ पे अगर हम देखिए तो साइन अल्फा आपको हाफ गिवन है ना तो आप यहाँ से एंगल निकाल सकते हो कैसे तो देखिए साइन अल्फा हाफ का मतलब साइन है यहाँ पे तो यहाँ भी साइन कैसे चेंज हो सकता है हाफ का वो होता है साइन साइन थर्टी पे है ना हाफ को हम साइन थर्टी लिख सकते हैं तो यहाँ भी साइन एल्फा और यहाँ भी साइन थी तो ये जो थीटा है ये अल्फ़ा यानी कि थर्टी के बराबर हो जाएगा अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है वो आपको इसमें रख देनी थी तो अल्फ़ा के प्लेस में कितना रखना है थर्टी डिग्री और यहाँ भी अल्फ़ा के प्लेस में थर्टी डिग्री अब थ्री एज इट इज़ कॉस थर्टी की वैल्यू तो आपको पता ही है रूट थ्री बाई टू होती है माइनस फोर कॉस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू और इस पर क्यूब है तो क्यूब लग जाएगा अब यहाँ से थ्री रूट थ्री तो मल्टीप्लाई में ये इससे अंदर मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता क्योंकि रूट है तो ये एज इट इज आ जाएगा और अपॉन में टू ऐसे ही रूट थ्री को तीन बार खोलिए तो जब भी कोई चीज़ रूट में है और वो तीन बार है तो दो बार में से तो वो बाहर आ जाएगी रूट से है ना और एक बार रूट के अंदर ही रहेगी रूट में क्या होता है पेयर में से एक बाहर आता है और ये सिंगल है तो ये अंदर ही रहेगा तो यानी कि यहाँ पे हम थ्री रूट थ्री अपॉन ये टू की पावर भी थ्री है इस पर भी थ्री है और इस पर भी है तो टू पे थ्री का बनता है टू की पावर थ्री यानी एट अब ये इससे कट जाएगा मल्टीप्लाई क्योंकि तो फोर जा अब ये थ्री रूट थ्री बाई टू ये भी आ गया और ये भी आ गया तो ये प्लस का और ये माइनस का तो कट के जीरो इसका आंसर ज़ीरो आया का किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का व ट्वेंटी टू देख लेते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स जॉइन ऑफ दिस ए एंड बी इन द रेशो टू रेशो थ्री तो ये आपका सेक्शन फार्मूला में से आया क्वेश्चन ए एंड बी आपको पॉइंट दिए थे और ए एंड बी में एक पॉइंट है कहीं पर जो कि इस ए और बी को रेश टू रेशो थ्री में डिवाइड कर रहा है तो इसको तो आपने किया ही होगा सेक्शन फार्मूला ए और बी पॉइंट आपको दिए थे और ये पी पॉइंट था ये इस लाइन को टू रेशो थ्री में बांट रहा है तो यहाँ पे रेशो दिया है तो ये एम और एन होता है ना और ये पी के जो कॉर्डिनेट है वो एक्स वाई होंगे तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करें तो ये एक्स पॉइंट कैसे निकलता है एम को इसके एक्स से मल्टीप्लाई करके और एन को इसके इस वाले एम को इधर वाले एक्स से मल्टीप्लाई और इसको इस वाले से एन प्लस और नीचे एम प्लस एन तो यहाँ पे हम एम की जगह कितना रखेंगे टू और एन की जगह थ्री तो एम और एन की जगह टू और थ्री रखा और टू को तो इसके फोर से मल्टीप्लाई करना है और थ्री को इसके वा माइनस वन से यानी जब हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो इसको इसके एक्स वाले से और इसको इसके एक्स वाले से और अपॉन में टू प्लस थ्री पहले मल्टीप्लाई करो टू फोर ज्यादा एट और थ्री वन जी एट माइनस थ्री फाइव अपॉन फाइव तो फाइव अपॉन फाइव कितना आ जाएगा एक्स वन सेम ऐसे ही आप वाई के लिए फॉर्मूला लगाओगे एक बार इसको वाई वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है फिर इस वाले को इधर वाले वाई से ऐसे क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना है ठीक है एन प्लस करना है और फिर नीचे एम प्लस है तो ये फॉर्मूला याद रखना है सेक्शन फॉमूला जब भी आपको रेशो दिया हो और ये कॉर्डिनेट निकालना हो तो आपको ये सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से निकल जाता है तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो टू को इससे किया मल्टीप्लाई और थ्री को सेवन से किया और प्लस किया तो टू थ्री या सिक्स माइनस का आ जाएगा और थ्री सेवन या ट्वेंटी वन प्लस का आ जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा बड़ा ये है तो इसका प्लस का साइन अपॉन में फाइव फाइव थ्री सा तो यानी कि ये एक्स वाई आ गए आपके और ये कॉर्डिनेट एक्स वाई था तो ये कितना आ जाएगा वन थ्री तो इसका आंसर क्या आएगा कॉर्डिनेट का वन थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का ए पार्ट है ये ठीक है ऐसी इसी, इसी क्वेश्चन में आपको चॉइस में दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आपको और इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन था ये आपको पॉइंट दिए हुए थे ए बी सी डी ये वर्टिस है एक पैरेललोग्राम की और आपको पी फाइंड करना था तो आपको एक पैरेललोग्राम दिया था ए बी सी डी ऐसे ऐसे ऑर्डर में अरेंज करना है ए बी सी डी ऐसे ऐसे मत करना ए बी सी डी कहीं देख दो ए बी सी डी ठीक है ए के कॉर्डनेट दिए बी के दिए सी के दिए डी के दिए डी में ही पी मिसिंग है तो अभी पी मिसिंग कैसे निकालते हैं जब भी कोई पैलेलोग्राम हो रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो तो आपको इसमें ना जब भी मिसिंग वर्टेक्स आता है तो मिड पॉइंट फॉमूला लगाते हैं हम कैसे क्योंकि जो इसके डाइगनल है ना ए सी और बी डी इसका जो मिड पॉइंट है ए सी का भी ओ ही है और बी डी का भी ओ ही है मिड पॉइंट है ना डायगनल जो होते हैं पैलेलोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर के बाइसेक करते हैं तो यानी कि जो इसका मिड पॉइंट होगा ए सी का वही बी डी का मिड पॉइंट भी होगा तो हम एक बार ए सी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और एक बार बी डी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला देंगे और आपस में इक्वल कर देंगे तो देखिए ए सी का मिड पॉइंट मतलब ओ है o है ना तो ये ओ पॉइंट कैसे आएगा इसके एक्स को एक्स के साथ प्लस करो और अपॉन टू करो ऐसे ही तो निकलता है मिड पॉइंट फॉर्मला एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू ऐसी वाई वाला कॉर्डिनेट कैसे आएगा इस मिड पॉइंट का वाई वन प्लस वाई टू जो बेसिकली निकाल रही हो तो एक्स को एक्स के साथ प्लस करना है टू और फिर वाई वाला निकाल रही है तो वाई को वाई के साथ प्लस करना है और टू ये मिड पॉइंट होता है ना उस ऐसे ही बी डी के लिए भी मिड पॉइंट निकालो पी डी के लिए निकालोगे तो इसके एक्स वाले को इसके एक्स वाले से प्लस करो ये पी तो प्लस का है बट ये फाइव माइनस का है तो माइनस हो जाएगा प्लस तो है बट माइनस का साइन है ना अपॉन में टू हो जाएगा ऐसे ही वाई वाले कोऑर्डिनेट को वाई वाले के साथ प्लस करो और टू से डिवाइड करो तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है अगर एक्स निकालना है तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 y2 2 ठीक है तो अगर ac के लिए निकालना है तो ac का एक्स वाला कॉर्डिनेट प्लस करके टू से डिवाइड हो जाएगा वाई वाला कॉर्डिनेट प्लस करके टू से डिवाइड हो जाएगा ऐसे बी डी के लिए जब निकालना है तो एक्स वाले कॉर्डिनेट प्लस करके टू से डिवाइड हो जाएगा वाई वाले कॉर्डिनेट प्लस करके टू से डिवाइड हो जाएगा अब जो इसका मिड पॉइंट है वही तो इसका भी है यानी इसका एक्स कॉर्डिनेट इसके एक्स के बराबर होना चाहिए और इसका वाई कॉर्डनेट इसके वाई के बराबर होना चाहिए तो हमें ये तो ये पी निकालना पी को ये एक्स कॉर्डिनेट है तो इसको इसके इक्वल कर देंगे और टू सी टू के पी के लिए सॉल्व कर लेंगे पहले प्लस कर दो और फिर ये प्लस माइनस फाइव है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा तो पी की वैल्यू आएगी थर्टीन तो किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताना पी थर्टीन किस किस बच्चों का आया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देख लेते हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको डिस्क्रिमिनेट निकालना था उसके बाद इसके रूट्स का नेचर भी पूछा था तो, तो डिस्क्रिमिनेट निकालना तो सबको ही आता होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन थी है ना इसको जब आप देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है जो एक्स के साथ है वो बी है बी माइनस टू है क्योंकि ये वाली जनरल फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है एक्स प्लस सी प्लस टू जीरो तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है और जो बचा हुआ होता है वो सी होता है डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी की जगह रख दो माइनस टू उस पर स्क्वायर फोर ए की जगह रख दो तो थ्री एंड सी की जगह रख दो वन बाई थ्री तो ये थ्री से ये तो कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाता है टू का स्क्वायर करोगे तो माइनस जब दो बार होगा तो प्लस बन जाएगा टू टू जब फोर और फोर में से फोर को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा जीरो जब भी डिस्क्रिमिनेट ज़ीरो आए तो नेचर कैसा होता है टू इक्वल एंड रियल रूट्स है रियल रूट तो है ही उसके अलावा इक्वल रूट भी है ठीक है जब भी डी जीरो आए अगर डी ग्रेटर देन जीरो आता यानी पॉजिटिव आता तो सिर्फ बोलते टू रियल रूट इक्वल नहीं लिखते फिर और अगर डी लेस देन ज़ीरो आता तो हम बोलते नो रियल रूट है ना इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखेंगे फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने रूट का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये आपको क्वाड्रेटिक पता है ना कैसे सॉल्व होता है एक्स के लिए इसको हम मिडल स्प्लिट करते हैं तो एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है फिर टू है तो इसका कैसे करते हैं मिडल स्प्लिट पहले इस लास्ट कॉन्स्टेंट आपको इसके आगे वाले कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं फिर तो इसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि प्लस माइनस करके यही आ जाए तो देखो इसी से आ जाएगा ना टू माइनस वन करोगे तो वन आ जाएगा ना तो अलग से कोई और फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है तो इसके फैक्टर वन एक्स के कैसे किए टू टू माइनस वन ताकि ये मल्टीप्लाई भी टू आ जाए और माइनस करके ये आ जाए वन तो टू माइनस वन और बाहर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में ले लिया अंदर माइनस डालोगे तो अंदर माइनस जब जाएगा तो ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे बीस में से अलग कॉमन ले लेना है एक्स इसमें से एक्स बचा और इसमें से टू बचा इसमें से कॉमन लेना है इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो वन कॉमन आ जाएगा और ये एक्स बचेगा और इसमें से टू बचेगा अब ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए हमेशा तो ये बाहर आ जाएगी और एक ये बचेगा या तो इसको जीरो के बराबर करो तो एक्स टू आ जाएगा और इसको ज़ीरो के बराबर करोगे तो एक्स माइनस वन तो ये ही इसके क्या है रूट्स है ना एक्स की वैल्यू को ही क्या कहते हैं हम रूट्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में आपको पी टी टेंजेंट दी थी, थी सर्कल है ये पी टी क्या है टेंजेंट टेंजेंट जो सर्कल को टच करके जाती है और ये टी क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपको बोला है कि टी पी ओ एंगल जो है टी पी ओ ये थर्टी डिग्री गिवन था और आपको एक्स वैल्यू निकालना था एक्स का तो देखो इस क्वेश्चन में आपको ये टेंजेंट दी है और आपको पता है ना टेंजेंट पे जो रेडियस होती है ये रेडियस है ना ओ टी वो सेंटर से शुरू होगी और सर्कल तक जाएगी और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जाएगी तो रेडियस जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करती है तो ये ये नाइन्टी डिग्री बनाती है ठीक है तो ओ टी क्या होगा पीटी पी परपेंडिकुलर होगा तो यानी कि ओ टी पी जो एंगल है वो नाइन्टी डिग्री हो जाएगा अब आपको ये वाला एंगल निकालना है तो आपको ये ट्रा दिख रहा है ये ट्राइंगल में ये जो एक्स एंगल है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रा का एक्सटीरियर एंगल एक्स है ना तो हम एक्सटीरियर एंगल को कैसे निकालते हैं ये एक्सटीरियर एंगल इन दो के सम के इक्वल होता है कोई भी ट्राइंगल में अगर एक्सटीरियर एंगल है तो जो इसके साथ जुड़ा हुआ उसको नहीं लेंगे जो बचे हुए दो होंगे उनका सम होता है एक्सटीरियर एंगल तो ये एक्स ंगल इन दोनों का है तो ये थर्टी और ये नाइनटी है तो यानी वन ट्वेंटी इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देख लेते हैं इन द फिगर प्रूव करना है तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ABC ए बी सी एक ट्रायंगल बना रहा है और ए बी सी के अंदर हमने क्या किया है ए बी सी पॉइंट है ओ पी पे ओ पी e, ये है इस पर ए पॉइंट है ओ क्यू पॉइंट पे बी पॉइंट है और ओ सी ओ आर पे सी पॉइंट है ऐसे भी देख सकते हो कि एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है और उसके अलावा ये तीन छोटे अंदर ट्राइंगल बन रहे हैं ना है, ये वाले और आपको पैलर लाइन दी हुई है तो जब भी पैलर लाइन दी हो तो हमें पता है ना ट्राइंगल में पैले लाइन में या तो बी लगती है या फिर सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम लगती है तो हमें जब ए बी ए बी पैरल टू पी क्यू दिया है तो ए बी पैरल टू पी क्यू जैसे कि इसमें देखो ए बी पी क्यू के पैरल दिया है सबसे पहले हमें तो ए बी पैरल टू पी क्यू कौन से ट्राइंगल में आ रहा है इस ट्राइंगल में आ रहा है ना इस वाले में इसका नाम क्या है इस ट्रैंगल का ओ पी क्यू क्योंकि हमें ये लाइन का यूज़ करना अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो ये किस ट्राइंगल में आ रही है ये इस वाले ट्राइंगल में आ रही है है ना तो यानी कि हमने लेना है ओ पी क्यू ओ पी क्यू ट्राइंगल में ये हमें पैरेलल दिया है तो पैरेलल लाइन क्या करती है किसी भी ट्राइंगल को इक्वल रेशियो में बांटते है तो ये पैरेलल है इसके तो ये साइड अपॉन ये साइड ये साइड अपॉन ये साइड बी पी टी लग जाएगी तो ओ बी अपॉन बी क्यू ओ ए अपॉन ए बी के बराबर हो जाएगा ठीक है सेम ऐसी दूसरी पैरेलल लाइन भी आपको गिवन थी क्वेश्चन में ये वाली ए सी पी आर के पैरेलल है ए सी पी आर के पैरल अब ये ए सी और पी आर कौन से ट्राइंगल में आ रहा है ये आ रहा है आपका पी ओ आर में है ना तो पी ओ आर में भी आपको ये इसके पैरल दिया है तो ये भी ये जो रेशो है ये, ये साइड जो पैरल लाइन है ये इस लाइन को दो रेशो में बांट रही है ओ ए अपॉन ए और ओ सी अपॉन सी आर ठीक है ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये बी जब भी पैरल लाइन में तो पीबीटी लगा सकते हो बेसिक प्रो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अब आपको यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड से दिखाई दे रहा होगा कि ओ ए अपॉन ए पी दोनों में आया है ना तो अगर ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है तो ये आपस में इक्वल तो ये भी इक्वल हो जाएंगे ना फर्स्ट एंड सेकंड से ये आपस में इक्वल हो जाएंगे ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर अब ये देखो ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर ये किस ट्रैंगल में आ रही है इस वाले ट्रैंगल में आ रहे है ना तो अगर ये रेशो बराबर है अभी तक तो हम क्या कर रहे थे लाइन पैरेलल थी तो रेशो बराबर कर रहे थे ये लाइन पैरल ला थी तो ये रेशो और ये रेशो बराबर कर रहे थे इस ट्राइंगल में है ना अब ये रेशो बराबर आ गए ये रेशो किस ट्रा में आ रहे हैं इस वाले में आ रहे हैं तो अगर ये रेशो बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं लाइन पैरल होंगे तो ये अगर ये वाला रेशो इसके बराबर है तो इस, इस ये रेशो इस लाइन को मिला रहा है ना बी सी और क्यू आर को तो बी सी क्यू आर के पैरल हो जाएगी इसमें बी बी टी का कन्वर्स लग जाएगा ठीक है तो किसके बच्चे ने ये क्वेश्चन किया कमेंट करके बताना तो यहाँ पे पहले बीबीटी लगनी थी और फिर यहाँ कन्वर्स ऑफ बीबीटी लगनी थी ठीक है तो इस तरीके से ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई सेक्शन सी को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड सेक्शन ए आपको चैनल में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक में सर्च कर लेना या चैनल की प्ले लिस्ट पर जाके चेक कर लेना ठीक है इसका सेक्शन सी और डी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे